नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। डिंपल अखिलेश समेत यादव परिवार के 5 दिग्गज चुनावी मैदान में, इन सीटों पर जबरदस्त मुकाबला, दांव पर लगी साख। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सैफई परिवार अहम किरदार निभाता आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में बहू डिंपल बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अक्षय आदित्य और धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि इस बार तीसरे चरण से उठने वाली बयार का असर पूर्वांचल तक पड़ेगा। राजनीति के दंगल में धोबी पछाड़ से विपक्षियों को चकमा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चुनावी विरासत नए दौर में कड़ी परीक्षा देने जा रही है। उनकी बहू डिंपल यादव सीट का भावनात्मक मिजाज समझते हुए अपने ससुर के नाम पर वोट मांग रही हैं। वहीं मुलायम के 2 भतीजे भी समाजवादी राजनीति की चुनाव प्रयोगशाला में उतर गए हैं। सैफई परिवार की चुनावी कसरत पर राजनीतिक पंडितों की नजरें हैं। तीसरे चरण से उठने वाली चुनावी बयार का असर पूर्वांचल तक पड़ेगा। समाजवाद के वैचारिक धरातल पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला खड़ा कर सत्ता तक पहुंचने वाले मुलायम सिंह 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी चट्टान की तरह खड़े रहे। पहली बार यादव परिवार मुलायम के बिना लोकसभा चुनाव में उतर रहा है। मुलायम की मैनपुरी में उनकी बहू व सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल ने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर बड़ी जीत दर्ज की थी। मैनपुरी में वोटों की गणित, डिंपल इस बार भी मुलायम के नाम पर मतदाताओं से कनेक्ट बढ़ा रही हैं। इस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 22% यादव, 14% शाक्य और 11% क्षत्रिय मतदाता हैं। लोधी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7 एवं 4% है। यही वजह है कि जातीय समीकरणों की ठोस सड़क पर 1986, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 व 2019 व 3 उपचुनाव 2004, 2014 व 2022 में साइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ी। इस बार भाजपा ने यहां मुलायम सिंह की नर्सरी से निकले अब प्रदेश सरकार में पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। वहीं भगवा खेमे ने यादव मतदाताओं को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रचार के रथ पर चढ़ा दिया है। बसपा ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदलकर शिव प्रसाद यादव को उतारते हुए सपा की चुनौती बढ़ाने का प्रयास किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।